और पापा ने बंदर को भी आइसक्रीम खिला दी, देखो। वाह, भगवान का जो भरत मिला हुआ है वो यही हुआ है। दीदी क्या ले लिया? ये ढोसा। अब जा रहे हैं चित्रकूट की यात्रा पर और अपनी बुआ के घर, और बने रहो मेरे ब्लॉग में और आपको चित्रकूट के दर्शन कराते घूमा वगैरह है। जो बहुत छोटे में गई हूँ मैं गुप्त गोदावरी, बहुत छोटे, मतलब अब तो याद भी नहीं है मुझे। याद है कि वहाँ पे ना ऐसी गुफा के अंदर जाते हैं, पानी भरा रहता है, तो वहाँ चलेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ब्लॉग होने वाला है। सब बने रहो ब्लॉग मेरे साथ। और ये रही मेरी मेहंदी। ऐसे अच्छी नहीं लगा यार, उतनी भी बुरी नहीं लग रही। कमेंट करके बताओ बुरी तो नहीं। फुल लुक दीदी, दीदी का फुल लुक, भैया का फुल लुक, और मामा, और ये रही मम्मी। मम्मी और भैया की है मैचिंग। पापा कहाँ है? मंदिर? अरे वो तो पापा की, देखो पापा वहाँ है इतने दूर। गाय को खाना खिलाए बिना नहीं जाते मेरे पापा। क्यों दीदी? पार्ले जी बिस्किट। देखो ऐसी बात है, सुन लो सब, ऐसी बात है कि जब तक देखो दीदी, दीदी तो अपने चश्मे में ही खोई है, मेरा लाया हुआ चश्मा दिल्ली से। मैं दीदी, मम्मी, भैया, जब तक मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगी आप लोग नहीं चल सकते। ये मेरा हुक्म है। बैठ के देख लो, हम देख लो, हम जब तक नहीं बैठेंगे। नहीं तो बैठ के देख लो। नहीं तब भी नहीं चलेंगे, पापा नहीं आए। और घर का जो भी छोटा रहता है उसके साथ होती है ना इंसाफी, उसको बैठा देते हैं पीछे। ये रहे सब सब सामान वगैरह निकाल रहे हैं। और ये है कामतानाथ की एंट्री, यहाँ से जाएंगे हम, पहले दर्शन करेंगे प्रभु के और फिर उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। और धूप बहुत ही ज़्यादा है, और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, परिक्रमा इसी के लगते हैं और भगवान यहीं पे रहे हैं 12 साल। और इसके पीछे है लक्ष्मण पहाड़ी, वहाँ से लक्ष्मण जी पहरा देते थे रात में, है ना मम्मी? पूरे परिक्रमा दिखाते हैं आपको। मस्त। दीदी क्या बोला? मैं आ चुकी हूँ तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। गाइड के चार्जेस तो जीरो होंगे आई गेस आपके? वन गड्डी गड्डी, फिर दो टाइप की गड्डी, पैसों वाली गड्डी या गड्डी वाली गड्डी। वाह, पोशाक कितनी प्यारी है, आके देखते हैं ना कृष्ण जी की। हाँ गर्मी है बहुत ज्यादा, लेकिन भगवान की पावन नगरी में आए हैं। 12 साल श्री राम यहाँ रहे वनवास के टाइम पे, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। किस्मत वाले हैं हमारे फैमिली वाले, सब बिगड़ जाते रहे। पापा और मम्मी का ये है कि जहाँ रुके मंदिर, मम्मी तुरंत किसी को देना पैसे, तुरंत बिल्कुल सोचते नहीं है। और ले रहा हूँ हाथ में। और यहाँ तो थोड़ा ब्लॉग बनाना भी रिस्की है, क्योंकि बंदर भी फोन ले जाते हैं और ऊपर से काफी लोग भी घूम रहे हैं जो फोन लेने के लिए तत्पर हैं। आ गए, मुझे बहुत अच्छे क्या और मुझे बहुत अच्छे समझ में आता है कि कौन फोन लेने के फिराक में है। इतना तो मुझे नॉलेज हो चुकी है गाइस,
सही मतलब लोगों के एक्शन बता देते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो अभी परिक्रमा में लगने हैं कम से कम 2 घंटे। हमने 11:30 पे स्टार्ट किया, अब हम देखेंगे टाइमिंग जब पूरा परिक्रमा हो जाएगा कि कितना टाइम लगता है। और बंदर तो भाई गजब है ना, जल्दी इतनी सारी आ गई पहाड़ी देखो आप तो बगल में, तब भी एकदम तो रन देखो जल्दी जल्दी। अरे 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 और मम्मी जगह जगह एक 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 बंदर को देती जा रही और जो बैठे हैं मांगने वाले उनको पैसे। और ये मंदिर है कामतानाथ, जय हो प्रभु। देखो कितना अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग हो। आहा स्वर्ग में ही तो हैं अपन, चढ़े हैं रहे हैं यहीं, है ना। सही बात है, ऐसे ना कितना अच्छा लग रहा है। देखो दीदी ग्रीनरी भी है एकदम बिल्कुल प्रॉपर, है ना। और परिक्रमा इतने स्लो लग रहे हैं क्यों दीदी? 11:30 पे स्टार्ट किया बट हर जगह हर मंदिर में किसी के मंदिर और हर जगह मम्मी को रुकना है, है ना, खिलाना है, ये सो रही है गुड्डी, और देना है दान देना है सबको। तो देखते हुए हो जाना बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा मतलब 2 घंटे का टारगेट लेके चल रहा है, लेकिन पता नहीं कहो 4 लग रहा है कुछ नहीं कह सकते। ये देखो दीदी क्या मिल रहा, झूले वगैरह हैं। राम जानकी महल मंदिर, चलो तुलसीदास जी की हरत लिखित रामचरित मानस के दर्शन, जय श्री राम। तो हमें ना ये वो तो अपन मूर्ति देखो भगवान की कितनी सुंदर है, श्री राम। चलो थोड़ी सा रेस्ट भी ले रहे हैं, यहाँ पे पानी वानी पी रहे हैं, चाय वाय। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हाँ ना, गर्मी में तो सिर्फ पानी वो चाय। मम्मी पापा गिर गई क्या? मम्मी कुल्लड़ भी अलग टाइप के है ना, यहाँ के इंदौर में अलग है ना दीदी? पहले कुल्लड़ ही चलती थी, डिस्पोजल नहीं चलती थी। नहीं वो तो है मम्मी, अब कुल्लड़ ट्रेंड में है ना, तो ये कुल्लड़ अलग रहते, वो चाय से तब बोल के अलग रहते, गोल गोल हम यहाँ के परिक्रमा लगा रहे हैं। आओ दीदी, यार ऐसे तो हो गई फिर। देखो दीदी क्या ले लिया, ये ढोसा यार इन पंडित जी को दे दो, वो खड़े हैं जो यार जोश जैसे कुछ नया गुड्डू। दुकान देख रहा हूँ भैया, वो दीदी ओनर है वो दुकान का ओनर है, कैसे समझ लिया, हल्के में ले रही हैं आप। पापा बोल रहे क्यों बैठे अकेले बेटे, बड़े ये देखो धूप, ये देखो ये होता है लंबी रोड गायों का। अरे बाप रे ऊपर देखो, ये बंदरों का आतंक है। तो अपने यहाँ पे जो गयू आती है उसको भी हुआ था, पापा ने उसकी दवाई वगैरह कराई तो वो बिल्कुल सही है। अभी एक और गाय को स्टार्टिंग हो गई है, छोटी सी गयू है, उसकी भी कराएंगे क्या मम्मी? हम सब मम्मी बाहर से, क्योंकि क्या फिर लेके चलना पड़ेगा जैसे दीदी बोल रहे हैं। 20% कंप्लीट हुआ अभी, 80% बाकी है, ऐसी स्पीड में चलेंगे तो कब तक हो। यार देखो दीदी ये लिए थी हाथ में, कह रही ये देखो पकड़ के एक बार, हमने कहा क्या है, हमने कहा दीदी अब लो वापस, तो कह रही नहीं अब बस। अरे मम्मी यहाँ तो नहीं दिख रहा, और महाकाल चाहिए वो प्राचीन भारत मिलाव चरण चिन्ह मंदिर दर्शन। चलो भैया बाबा जी चलिए, यहाँ जब भगवान का जो भरत मिला हुआ है वो यही हुआ है, और बोला जाता है कि भरत मिलाव के द्वारा भगवान के चरण बन गए थे, इतना प्रेम। हाँ प्रेम पवित्र पत्थर पिघल गया प्रेम को देख के, वाह यार।
बहुत भारत में नाव की अभी आपको दर्शन कराते हैं। अच्छा ये देखो भगवान ने, हाँ ये है बने भगवान के चरण कहाँ दिख रहे हैं। हाँ ये बने इस साइड पूरे अच्छा सीता जी और कौशल्या जी के चरण है यहाँ वो मिली थी। वाह और यहाँ पे लक्ष्मण शत्रुघ्न महाराज के हे प्रभु वो है लक्ष्मण पहाड़ी वहाँ से लक्ष्मण जी पहरा देते थे और ये जो पहाड़ जिसके अपन परिक्रमा लगा रहे हैं यहाँ पे सीता जी और श्री राम जी रहते थे वहाँ से लक्ष्मण जी। आप लोग नहीं गए, चलो हम भी जा रहे हैं। जय हो प्रभु जय श्री राम। मम्मी है एज ऑलवेज लेट, कोई भी मंदिर में मम्मी अगर गई तो मम्मी जल्दी आ ही नहीं सकती। हाँ खड़े हो गए माय हीरो थैला लेके प्रसाद का। अच्छा पॉलिथिन का, हाँ सही है। पापा को यहाँ का आइडिया इसलिए क्योंकि मेरी बुआ का घर यहीं पे है, पापा बचपन से आए हैं, बहुत आए हैं परिक्रमा लगाने तो उन्हें बहुत ज़्यादा आइडिया है यहाँ का, एक गली एक दुकानों का बहुत ज़्यादा अच्छे से, पापा इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं वहाँ के। सच में ऐसा लग रहा कि मिठाइयों की गली एकदम देसी अंदाज में बन रहे पॉपकॉर्न। बोर हो रहे हैं, थक रहे हैं, चने लिए नहीं कि बस अब पीछे अब आनी फौज। चलो अरे छीन ली। अब एक जो कुंड आएगा, पापा बता रहे हैं बचपन में पापा और पापा के फ्रेंड्स वहाँ जाते थे स्विमिंग कर रहे हैं, पापा बताएंगे कुंड में जाते थे, मतलब बचपन तो पापा लोगों का ही था ना पापा, थोड़ा बहुत हम लोगों का भी था बाकी अब के टाइम के बचपन तो सिर्फ फोन में रह गए। तो क्या प्राइस है? हाँ स्काई ब्लू भी अच्छी लग रही मम्मा है ना। मुकुट ले रहे हैं हम बहुत सारे, ये देखो गाइस इतने सारे मुकुट लिए, मम्मी ने पोशाक ली, बहुत अच्छे मुकुट लग रहे हैं सच में और रेट बहुत सही है। और ये है यहाँ के ओनर, अरे क्या है हाँ यार ये ले लो, ये कैसे रहेंगे लेकिन अच्छा ऐसे वाओ ये ले लो दीदी, ये देखो दीदी अरे भी नो है घर पे एक और पागल हो तुम। डन ना जी के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग हो गई, अब माताएं और बहनों मेरी जल्दी चल लो ज़रा बहुत ज़्यादा दूर है। पापा यहाँ आते थे अब तो बता रहे कि पैक कर दिया देखो, हाँ नीचे भी देखो और देखो ना, और पापा ने बंदर को भी आइसक्रीम खिला दी देखो वाह, और आइसक्रीम मिल गई आइसक्रीम ही आइसक्रीम लो ऐश लो, भाग गए वो भाग गया भागा, हाँ खुद आइसक्रीम लेके चल रहे हो, कितनी क्यूट है प्यारी सी गई हूँ
अच्छा क्यों तू पापा मम्मी खिला रहे हैं यहाँ पे भी गायों को बिस्किट। हार ले जी बिस्किट खाटी। और बिस्किट ले आया। और हमारा परिक्रमा पूरा हो गया, संपन्न हुआ। जय श्री राम। वही मंदिर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये देखो बढ़िया कामतानाथ के दर्शन हुए और बढ़िया मस्त तिलक भी लग गया मुझको। एक बहुत फनी स्टोरी हुई। एक अंकल थे, वो कह रहे थे कि भूत प्रेत की मतलब चीजें रहती हैं, वो बाधाएं वो भाग जाती हैं, आप ये सब चीजें अपने घर पे रखो। पापा भी पीछे पड़ गए तो पापा बोल रहे हैं उनसे हम भूत प्रेत के साथ में ही रहते हैं, ठीक है। तो वो अंकल सीरियस हो गए सही में। पापा ने अलग ही मजाक कर दिया यार। है आप नहीं कह रहे हम तो भूत प्रेत के बीच में ही रहते हैं। हाँ ना, 2 बजे कंप्लीट दर्शन करने के बाद हमारा परिक्रमा होता है पूरा। और अब हम जाएंगे कहीं पे लंच करने के लिए। धूप बहुत ही ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बता भी नहीं सकते। दी आपने